ये चारू बाबा देखो भाई, और ये फ्रॉड हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इन्होंने लिबास और लिबादा मुसलमानों को पहन रखा, देखो भीख मांग रहे हैं। और जब इनको चेक किया गया, इनकी आईडी चेक की गई, एक का नाम सत्यनारायण है, देखो बुजुर्ग, देखो कैसे वली लग रहा है, देखो देखो। और ये अपना नाम सलीम खान बता रहे थे पहले, इनका नाम बबूल है और इनका नाम राजेंद्र है। तुमने क्या नाम रख रखा अपना? राजेंद्र। और इनका नाम क्या है? छेदीलाल। छेदीलाल है। और इनका चेहरा देखो, इनका लिबास देखो, देखो कैसे वली मालूम हो रहे हैं, देखो। और ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए भीख मांग रहे थे। सारे भाइयों से ये अनुरोध है कि इनसे होशियार रहें, से लोगों से, और जहाँ भी मिले इनकी चेकिंग करें जरूर, कोई इनको भीख ना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है, और जैसे ही रमज़ान का महीना आता है ना, तो हमारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात, अतियात, सदक़ात, अपनी दौलत जो उन्होंने साल भर के कमाए रहते हैं, ज़कात के नाम पर, सदक़ात के नाम पर, या इस तरह डोनेशन के नाम पर खूब लुटा देते हैं अपने माल और अपना दौलत। क्योंकि अल्लाह का एक हुक्म भी है कि जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है ना, इसी तरह मालदार पर ज़कात देना भी फ़र्ज़ है। तो इस फरीज़े के अदायगी के लिए मुसलमान खूब लुटाता है, खूब लुटाता है। रमज़ान के महीने में करोड़ों की दौलत मुसलमान लुटाता है, याद रखें। आपको अगर पूरी दुनिया का जायज़ा लें तो अरबों खरबों में वो रुपये चले जाते हैं ज़कात के नाम पर। लेकिन बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने जो ज़कात हम पर फ़र्ज़ की है, वो इसलिए नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिसे चाहें दें, या ऐसे ही देना है इसलिए दें, बल्कि ज़कात का जो सिस्टम इस्लाम ने दिया है वो दुनिया से गुर्बत ख़त्म करने के लिए है। आज मैं ये टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि एक जमात आएगी रमज़ान में। ये कौन सी जमात है? ये वो जमात है जो रमज़ान को ऑफिशियली तरीके पर भीख मांगने के लिए अपना ऑफिशियली महीना बनाती है। भिखारियों की एक टोली रमज़ान में ऐसी निकलती है जो रमज़ान को सिर्फ भीख मांगने ही का एक ज़रिया समझती है। ऐसे लोगों से आप होशियार रहें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं इन भिखारियों के अपोज में नहीं बोल रहा, यानी ऐसा नहीं कि मैं जो है गरीबों से या भीख मांगने वालों से नफ़रत करता हूँ, बल्कि मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ, आपको मुतनब्बे करना चाह रहा हूँ कि ये जो टोलियाँ निकलती हैं रमज़ान में, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे भी मालदार होते हैं, इनमें से कुछ इतना माल अपने पास रखते हैं कि वो खुद आपको ज़कात दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद चूँकि इन्होंने अपना एक पेशा बनाया है भीख मांगने का, अपना एक काम बनाया है, अपना एक बिज़नेस बनाया है, आसान बिज़नेस, बग़ैर इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस भीख मांगने का, तो इसलिए ये एक जमात रमज़ान में निकल जाती है। और अलग अलग जगहों पर इनको देखा जा सकता है, मस्जिदों के बाहर भी ये दिखते हैं, मज़ारात के बाहर भी ये दिखते हैं, सड़कों पर भी ये दिखते हैं, टोल नाकों पर भी ये दिखते हैं, गंदे मैले कपड़े पहने हुए आपसे भीख मांगते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये मोहताज हों, बल्कि इनमें से अक्सर अमीर होते हैं, यानी मांग मांग कर इनकी इनकम आपकी इनकम से भी बढ़कर होती है। आप कमाते होंगे डेली का 500 रुपये, आप कमाते होंगे डेली का 1000 रुपये, रमज़ान में ये लोग एक दिन में 2000, 4000, 5000 कमाते हैं, और आम दिनों में मांग कर 500, 1000 तो कमा ही लेते हैं। यानी कि एक मजदूर मजदूरी करके जितना कमाता है, ये भीख मांगकर उससे भी कई गुना ज़्यादा कमाते हैं। इसलिए जिन लोगों को ये लत लग जाए मांगने की, भीख मांगने की, तो अगर उनको आप कोई भी जॉब ऑफर करें, कोई भी बिजनेस ऑफर करें, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि आप कितनी तनख्वाह दोगे उन लोगों को? 5000, 6000, 10000, ये तो डेली का 1000 रुपये बग़ैर जो है किसी टेंशन के कमा लेते हैं, तो क्यों आपका बिजनेस करेंगे? तो इसलिए मैं बस आपको आगाह करना चाह रहा हूँ कि आप अगर ज़कात दे रहे हैं, सदक़ात दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, तो बग़ैर सोचे समझे ना दें, बल्कि पूरी तहकीक के बाद ज़कात दें। पूरा जब आपको इत्मीनान हो जाए, सिर्फ हुलिये पर ना जाएं,
इसलिए कि स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख लें, ज़रा आप पहला इस वीडियो को देख लें कि सिर्फ हुलिये पर अगर आप जाएंगे तो किस तरह आपको धोखा हो सकता है। कि ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें चंद लोग हैं जो दिखने में तो आपको अल्लामा नज़र आएंगे, दाढ़ी है, जुब्बा है, टोपी है, माशाल्लाह, आप उनको वक्त का वलिया, कुतुब और अब्दाल समझेंगे, लेकिन क्या है हकीकत, गैर मुस्लिम है, मुसलमानों का लुबादा पहनकर आपसे भीख मांग रहे हैं और आप उनको ज़कात भी दे रहे हैं, सदक़ात भी दे रहे हैं। ये सिर्फ एक सैंपल है। इस तरह कई लोग मुसलमानों का लुबादा पहनकर रमज़ान में निकलते हैं, तो आप इस तरह के लोगों से चौकन्ना रहें। यहाँ तक कि ये ख़बरें भी मौसूल हो रही हैं कि जो इस्लाम मुसलमान दुश्मन है और उनकी जो तंजीमें हैं, उन तंजीमों ने तो अपना एक गुरुह बनाया है, अपनी एक जमात ही उन्होंने बनाई है भिखारियों की, कि रमज़ान में वो छोड़ देते हैं भीख मांगने के लिए और भिखारी लोग जो है आकर भीख मांगते हैं, हम ही लोगों का पैसा लेते हैं और कुछ परसेंटेज होता है जो भिखारियों को दे दिया जाता है और बाकी का पूरा पैसा वो जो तंजीमें हैं मुसलमानों की दुश्मन जो तंजीमें हैं, वो तंजीमें वो पैसा कलेक्ट करती हैं और फिर उन्हीं पैसों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती हैं। इस तरह के मैसेजेस भी आ रहे हैं, इस तरह की ख़बरें भी मौसूल हो रही हैं, तो इसलिए चौकन्ना रहें। ज़कात अगर दे रहे हैं तो पूरे एहतियात के साथ दें, सदक़ात दे रहे हैं तो पूरी एहतियात के साथ दें। ज़कात अगर आप दे रहे हैं तो इस्लामी तरीक़ा ये है कि ज़कात के जो सबसे ज़्यादा हकदार बनते हैं वो तो हमारे अपने करीबी रिश्तेदार हैं। पहले हम अपने रिश्तेदारों में देखें कि कौन है मोहताज, कौन है गरीब। हमारी जो एक कमज़ोरी है वो ये है, हम लोग है ना मोहताज उसे समझते हैं जो बिल्कुल पुराने कपड़े पहनकर भीख मांगने को आपके सामने आए, आप उन्हीं को ज़कात का मुस्तहिक समझते हैं या फिर उन्हीं लोगों को आप लोग मोहताज समझते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बहुत से मुसलमान वो होते हैं जो मोहताज होने के बावजूद भी आपके सामने कभी अपनी मोहताजगी का इजहार नहीं करते। उन लोगों को तलाश करके उन लोगों को ज़कात देना ये ज़्यादा सवाब का काम है। आपके अपने ही रिश्तेदार होंगे जो आपके साथ चाय भी बड़े मज़े से पी रहे होंगे, आपके कपड़े भी बड़े स्त्री के अच्छे से अच्छे पहने होंगे और दिखने में बहुत खुश नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उनके अपने अंदरूनी हालात बिल्कुल ख़राब हो रहे होंगे, फाइनेंशियल बिल्कुल कमज़ोर हो चुके होंगे वो, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ऐसे लोगों को आप तलाश करके ज़कात दें, अगरचे कि वो कितने ही खुश नज़र आ रहे हों और कितना ही अच्छा खा रहे हो, कितने ही अच्छे तरीके से वो रह रहे हो, इसको ना देखें। मैं यही कह रहा हूँ ना, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग है ना ज़कात का सदक़ात का मुस्तहिक उसे समझते हैं जो फटे पुराने कपड़े पहनकर मैला कुचेला होकर हमारे सामने आकर भीख मांगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप जो है अपने जो रिश्तेदार हैं उनमें देखें, गौर करें कौन है ऐसा मोहताज। रिश्तेदार में नहीं है तो अपने पड़ोस में देखें कौन है ऐसा मोहताज, उसको ज़कात दें। पड़ोस में नहीं है तो महल्ले में देखें कौन है ऐसा मोहताज, दोस्तों में देखें कौन है ऐसा मोहताज, तो अपनों को देने में ज़्यादा सवाब है। याद रखें क्या सवाब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा अपने रिश्तेदारों को ज़कात सदक़ात खैरात देता है तो उसको दो सवाब मिलते हैं, एक तो ज़कात और सदक़ात देने का सवाब मिलता है और दूसरा रिश्तेदारी को निभाने का सवाब मिलता है। तो ये जो मौका है बड़ा अहम मौका है, तो ज़रूर पूरे एहतियात के साथ अपने ज़कात और खैरात दें। आखिर में इस वीडियो को देखते जाएं कि किस तरह गैर मुस्लिम जो है मुसलमानों का लुबादा पहनकर भीख मांग रहे हैं और इन्हीं पैसों को फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की साजिशें हो रही हैं। अल्लाह हम सबको सही समझ की तौफीक नसीब फरमाएं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि रमज़ान के महीने में खूब मुसलमान लुटाते हैं, उनका लुटाना ज़ाया ना हो और उनका लुटाना दुनिया में भी उनके लिए खैर का ज़रिया बने, आखिरत में भी उनके लिए खैर का ज़रिया बने। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना माल लुटा भी रहे हैं और वो चीज़ हमारे लिए आखिरत में भी कुछ नहीं मिल रहा और दुनिया में भी हमारे लिए हलाकत का ज़रिया बन रहा है। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।